सो हे गाइस, मेरी इस ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मम्मी घर गए हुए, मतलब घर गया है, मतलब राशन लाने के लिए। और यहाँ पे मेरा भाई मतलब आज खाना बना रहा है, जो ये देख सकते हो। ये देखो मेरा भाई यहाँ पे आज खाना बना रहा है, मतलब आज का ये मतलब इसका ड्यूटी है खाना बनाने का। और इसके बाद सब्जी भी बनाएगी, यही बनाएगी अकेले। और आज बहुत ठंडा है, जो तुम्हारा भाई नहा के आया है तो देख लो। और बाहर आपको कोहरा भी दिखेगा। और अभी 1 बजे हैं, जो अभी तक ठंडी है, बहुत तेज हवा चल रही है और ठंडा बहुत है भाई। और तुम्हारे भाई इतनी ठंडी में नहाया। और ये यहाँ तो दिख रहा है आपको, जो मेरा भाई अभी खाना बना रहा है, देखो बस चावल बना रहा है, वही गया शायद। और इसके बाद सब्जी भी बनाएगी, तो क्या सब्जी बनाएगी तो बनाने के बाद देखते हैं। और ये देख लो, जो अभी मतलब ये देखो, दिख रहा है कितना शांत है। अरे कुछ खाओगे नहीं? खाओ खाओ, छोटा झूली गेल। देख रहे हो भाई, खाना बनाते बनाते इसका हालत खराब हो गया। मतलब अभी हम ईंट बना के काम से आए हैं, तो हम अभी खाना बन मतलब ईंट बना के आए हैं काम करके, उसके बाद खाना बना रहे हैं। तो इसकी वजह से इसका हालत खराब है। और ठंडी बहुत है, जो बाहर देख ही सकते हो, मतलब कोहरा अभी तक है। और दोपहर की 1 से 12 बजे हैं और ठंडा बहुत है अभी भी। मतलब सूरज नहीं दिखी सुबह से, 4 से 5 दिनों तक अभी तक सूरज नहीं दिखी, जो ठंडा है इसी वजह से बहुत ठंडा है। और हवा भी तेज बहुत चल रही है बाहर। और हम घर के अंदर है, जो यहाँ पे देख रहे हो ये किचन है हमारा छोटा सा, और यही पर मेरा भाई भी खाना बना रहा है। और ये देख लो यहाँ पे मतलब चावल हो गई, और ये नमा रहा है अभी, जो काजल को पूछ रहा है ये देख लो। और हमारा ये निंजा टेक्निक है, जो मतलब नमाने का। और इसे बस ऐसे रख दिया जाएगा, तो देख लो, देख रहे हो गाइस, ये हमारा निंजा टेक्निक है। और मतलब अभी चावल हमारी हो गई, और ये देख सकते हो, जो भाई मेरा भाई पूछ रहा है इसे, मतलब जो काजल लगे हैं ऊपर, तो उसे बस थोड़ा सा पोंछ के उसमें, हाँ ये देखो निकाल लेंगे हम लोग। ये देखो देख रहे हो गाइस, अभी तक कोहरा यार, 1 बजे हैं और बाहर नहाने का यही जगह है, जो तेज हवाओं के साथ नहाना होता है भाई, बहुत ठंडा है, देख रहे हो। और ये देख लो मेरा भाई भी कुछ कहना चाह रहा है। अभी हम लोग यहाँ से चावल से पानी निकालेंगे, हाँ ये देखो अभी दिखाएगा। पहले ऐसे निंजा टेक्निक, पहले हम लोग ऐसे निकालेंगे इसका पानी, ऐसे ऐसे ऐसे, जो जो दिख रहा है ना बना हुआ, ये है निंजा टेक्निक नवाने का। अभी देखना, ये है ऐसे निकालेंगे पहले। अभी ये देखो दिख रहा है, देखो गाइस, देखो देखो, और फिर कैसे नमाएगा इसके बाद। इतना होने के बाद इस ढक्कन को ऐसे करके, ढक्कन लगाने के बाद इसे सीधा करके अच्छे से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे, अरे किधर जा रहा है भाई, अरे ये देख लो, ऐसे करके ऐसे करेंगे, और ऐसे ऐसे, ये देख लो इसका निंजा टेक्निक, ऐसे रख देंगे और खत्म। ये देख लो अपने आप ये सारा पानी निकल जाएगा और खत्म। तो देखा हमारा यहाँ के मतलब चावल नमाने का निंजा टेक्निक, जो इस तरह से रख देने से हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ये सारा पानी नीचे आ जाएगा उसके बाद। और ये देख लो गाइस हमारे सब्जी में क्या है, बना हुआ है पहले से, मतलब रात को ही बनाया था। ये देखो चिकन का पीस, देख रहे हो चिकन, हाँ ये है चिकन, पोटेटो है और सोयाबीन है, बंगाली में से कहते हैं सोयाबीन, चिकन पोटेटो और कुछ नहीं। तो पहले से बना हुआ है, तो बस इसे गरम करेंगे और खाएंगे फिर। और सुबह से मतलब हम सुबह से कुछ नहीं खाए, बस रोटी खा के काम कर रहे हैं। और 1 बजे है, तो पहले खा लेते हैं, फिर दिखते हैं यहाँ पे। और देख लो, अरे ये देख लो ये गरम कर रहा है, बस सुबह उसे रख दिया, इसे गरम करना चाहिए था और ऐसे रख दिया। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यही तक है, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।